स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर, जो कि लास्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्यूबिक और बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्यूबिक या बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हम, तो क्यूबिक इक्वेशन हमें पता है एक्स क्यूब में होती है और बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स फोर में होती है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, या ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। अब क्यूबिक और बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम एक मेथड करेंगे, देकार्ते रूल। देकार्ते रूल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसके कितने रूट्स होंगे, ये तो हमें पता है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के तीन रूट्स होंगे, अगर बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वेशन के चार रूट होंगे, अगर हमारे पास एक्स रेस टू पावर एन प्लस नाइन एक्स रेस टू पावर नाइन प्लस एंड सो ऑन इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाए तो उसमें टोटल रूट्स कितने होंगे हमारे पास, 10 रूट्स होंगे। अब अगर 10 रूट्स है तो उन 10 रूट्स में से कितने पॉजिटिव रूट होंगे, कितने नेगेटिव रूट होंगे, ये सब हमें बिना कैलकुलेशन के बताना। आई रिपीट, अगर कोई भी एक इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, ये तो हमें पता हुआ कि कितने रूट होंगे, लेकिन उन रूट्स में से कितने पॉजिटिव होंगे, कितने नेगेटिव होंगे और कितने इमेजरी रूट्स होंगे, इसे हम बाय देकार्ते रूल डायरेक्ट बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा देकार्ते रूल, इसे डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन भी कहते हैं। डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन यानी यहाँ पर जो रूल है वो सिर्फ सिंबल के लिए है, साइन के लिए है कि पॉजिटिव आंसर आएंगे, नेगेटिव आंसर आएंगे या इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो देखो, अगर कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये हमने एक इक्वेशन ली। अब इस इक्वेशन के टोटल रूट्स कितने होंगे, ये तो हमें पता है फोर रूट्स होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक इक्वेशन ले लिया, एज्यूम कर ली, कितने रूट्स होंगे, चार रूट्स होंगे। अब यानी एक्स की चार वैल्यू आएंगी, वन टू थ्री एंड फोर, उन चारों में से कितनी वैल्यू पॉजिटिव कितनी वैल्यू नेगेटिव होंगी। इसके लिए देखो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, साइन चेंज चेक करेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? यस, हो रहा है, प्लस से माइनस आ जा रहा है, प्लस टू माइनस वन। नेक्स्ट देखो, यहां से ये माइनस था, माइनस के बाद प्लस आ गया, अगेन हम यहां पर लिखेंगे टू, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है माइनस से प्लस, अब प्लस के बाद फिर से माइनस आ गया यानी फिर से साइन चेंज हो रहा है, थ्री। माइनस के बाद फिर से प्लस आ गया तो फिर से साइन चेंज हो रहा है तो फोर। इसका मीन्स ये हुआ कि एक्स की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, क्योंकि हमारे पास कितने बार साइन चेंज हुआ, कितनी बार साइन चेंज हुआ, फोर टाइम। कितने टाइम, कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, चार बार। इसका मीन्स ये हुआ कि एक्स की चार वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, चार ही वैल्यू होनी चाहिए और चारों की चारों वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स एक्स की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी यहाँ पे, आगे समझ में। और बाय चांस अगर यही इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हो, एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, मैंने इक्वेशन के साइन चेंज कर दिया अपनी तरफ से, अगेन टोटल रूट्स तो चार होंगे, ये साइन पॉजिटिव है, प्लस के बाद माइनस, साइन चेंज हो रहा है तो वन, माइनस के बाद माइनस, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस से माइनस की तरफ ही जा रहा है, माइनस टू प्लस नहीं हुआ, अगेन माइनस टू माइनस, फिर से साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस टू प्लस साइन चेंज हुआ ना यहाँ पर, तो हमने क्या लिख दिया, टू। अब साइन चेंज कितनी बार हुआ, आगे तो इक्वेशन खत्म हो गया ना, तो साइन चेंज कितनी बार हुआ यहाँ पर, वन एंड टू, टू टाइम, तो x की दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी, आया समझ में। x की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, चार, उन चार वैल्यू में से x की जो दो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो x की दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अगेन देखो, अब पॉजिटिव तो पता चल गया हमें, x की टोटल चार वैल्यू होनी चाहिए, दो वैल्यू पॉजिटिव है, तो बाकी दो वैल्यू क्या होंगी ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होती है उसे हम fx लिख लेंगे, fx इज इक्वल टू x4 माइनस 3x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, यहाँ से हमने चेक कर लिया कि x की दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब इसी इक्वेशन की बाकी दो वैल्यू क्या होंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स कर लेंगे, यानी f माइनस एक्स। x की जगह माइनस एक्स किया तो x फोर, x की जगह माइनस एक्स किया तो ये प्लस हो जाएगा प्लस थ्री एक्स क्यूब, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस फोर। समझ में आया ना, यहाँ पर x था वहां पर माइनस एक्स कर लिया। फिर से हम चेक करेंगे यहाँ पर साइन चेंज कितनी बार हो रहा है, ये देखो ये प्लस है प्लस टू प्लस, कोई साइन चेंज नहीं, प्लस टू माइनस साइन चेंज हो रहा है वन, माइनस टू प्लस फिर से साइन चेंज हुआ तो टू, प्लस टू प्लस कोई साइन चेंज नहीं, कितनी बार साइन चेंज हुआ दो बार, जब हमने एक्स को माइनस एक्स रखा तो साइन दो बार चेंज हुआ। अब देखो जब हमारे पास सिंपल इक्वेशन थी तो हमारा आंसर आ गया था कि एक्स की दो वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स को माइनस एक्स रख दिया तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस माइनस एक्स की पॉजिटिव वैल्यू हुई तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव होगी। रिपीट, मैं स्टेप को रिपीट करूं, अगर एक्स की जगह हमने माइनस एक्स रखा, हमने साइन चेंज चेक किया, साइन चेंज चेक करने पे क्या होता है कि जितनी बार साइन चेंज हो रहा है उतनी पॉजिटिव वैल्यू होगी, किसकी, जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स नहीं एफ माइनस एक्स है, यानी माइनस एक्स की दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अगर माइनस एक्स की दो वैल्यू पॉजिटिव है यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस फोर, माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस टू। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर माइनस एक्स की दो वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स की दो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे में एक्स की दो वैल्यू पॉजिटिव एक्स की दो वैल्यू नेगेटिव, टोटल रूट कितने थे, चार रूट थे, तो चारों का चारों चारों के चारों रूट हमें पता चले ना कि पॉजिटिव कितने होंगे नेगेटिव कितने होंगे। ओके आगे समझ में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो इसी को मैं फिर से चेंज कर दूं, एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इस तरह से इस इक्वेशन को लिख दूं इज इक्वल टू जीरो, अब हम चेक करते हैं कि इसमें कितनी वैल्यू पॉजिटिव होंगी एक्स की, कितनी वैल्यू नेगेटिव होंगी। देखो प्लस टू प्लस कोई चेंज नहीं, प्लस टू प्लस, प्लस टू प्लस अगेन प्लस टू माइनस, साइन चेंज हुआ वन टाइम, यानी एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव होगी। समझ में आया। अब एक्स की दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसे हमने एफ एक्स ले लिया, हम एफ माइनस एक्स लेंगे, जहां पर एक्स है वहां पर माइनस एक्स रखा तो एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। साइन चेंज चेक किया तो प्लस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस टू, प्लस टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस, कोई चेंज नहीं, यानी तीन वैल्यू किसकी, माइनस एक्स की, माइनस एक्स की तीन वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो एक्स की तीन वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव होगी। आगे समझ में, एक्स की माइनस एक्स की तीन वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो एक्स की तीन वैल्यू क्या हुई हमारे पास, नेगेटिव होगी। एक वैल्यू पॉजिटिव तीन वैल्यू नेगेटिव होगी, चारों के चारों रूट्स पता चल गए ना। इस तरह से आप बिना कैलकुलेशन किए ये बता सकते हो कि किसी भी इक्वेशन की कितनी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी या किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स पॉजिटिव होंगे कितने रूट्स नेगेटिव होंगे। और बाय चांस हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, अब पॉजिटिव भी आ गया नेगेटिव भी आ गया, लेकिन अगर एक्स की चार वैल्यू है उसमें से एक पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है, लेकिन टोटल चार वैल्यू होनी चाहिए, एक्स की चार वैल्यू होनी चाहिए, उनमें से एक वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव आ गई, एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो बाकी दो वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया, इट मीन्स बाकी दो वैल्यू क्या होंगी हमारे पास, इमेजिनरी होंगी। ठीक है, किस तरह से मैंने यहाँ पर तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन तीन क्वेश्चन में हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होंगी, यानी x के रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव या इमेजिनरी। मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx = 0। अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है उस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट हमें चेक करने हैं, कैन नॉट एक्सीड, जो पॉजिटिव रूट है वो कैन नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं होंगे किससे, द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन द टर्म्स ऑक्यूरिंग इन fx, fx में जब हम साइन चेंज चेक करेंगे
उनकी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या पॉजिटिव रूट्स? किसी भी इक्वेशन के पॉजिटिव रूट साइन चेंज की संख्या से ज्यादा नहीं हो सकते। अब किस तरह से, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर तीन एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रही हूँ। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको करके बता रही हूँ, एक्स रेस टू पावर टेन का क्वेश्चन। हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन की टोटल वैल्यू कितनी होगी, यानी टोटल रूट्स कितने होंगे। ये तो हमें पता है कि 10 रूट्स होंगे। एक्स रेस टू पावर टेन माइनस फोर, एक्स रेस टू पावर सिक्स प्लस एक्स रेस टू पावर फोर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये एफ एक्स है। एक्स की टोटल वैल्यू कितनी होंगी, 10 वैल्यू होंगी। ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि पावर टेन में इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर टेन है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, साइन चेंज। एक्स रेस टू पावर टेन, टेन यानी प्लस का साइन, प्लस टू माइनस वन, इस तरह से आप लिख दिया करो। माइनस टू प्लस टू, प्लस टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस, कोई साइन चेंज नहीं। ओके, यानी कितनी बार साइन चेंज हुआ, तीन बार। तो एक्स की तीन वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। फिर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स करेंगे, यानी एफ माइनस एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स किया तो इवन पावर में तो कोई चेंज नहीं होगा, जहां पर ऑड पावर है वहां पर साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस टू एक्स की जगह प्लस टू एक्स, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। फिर से हम साइन चेक करेंगे कि साइन चेंज कितनी बार हो रहा है। तो देखो यहाँ पर साइन चेंज, प्लस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस टू, प्लस टू प्लस, कोई चेंज नहीं, प्लस टू माइनस फिर से हो रहा है, तो थ्री, तीन बार साइन चेंज हुआ। यानी माइनस एक्स की तीन वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होंगी। इट मीन्स एक्स की तीन वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगी। x की तीन वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ये x है हमारे पास, ये रूट्स है हमारे पास, ये साइन है। x के जो तीन रूट्स है वो तो हमारे पास पॉजिटिव आ गए, तीन रूट नेगेटिव आ गए। टोटल रूट कितने होने चाहिए, 10, 10 रूट होने चाहिए। 3 और 3 6, कितने रूट बच गए, 4। अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाए, जो बच जाएंगे वो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। यानी x की जो चार वैल्यू होंगी वो इमेजिनरी होंगी। तो टोटल रूट कितने हो गए, 10 हो गए। इस तरह से आपको देखते हुए अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन करने हैं कि इसकी जो वैल्यू वो कितनी पॉजिटिव, कितनी नेगेटिव और कितनी इमेजिनरी। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये दो क्वेश्चन है जिससे आपको ट्राई करोगे। ये रहा यहाँ पर, अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स का साइन चेक करना है। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्यूबिक और बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्यूबिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्यूबिक इक्वेशन करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन मेथड। कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें लिखा होता है कार्डन मेथड से सॉल्व करो या फेरारी मेथड से। फेरारी मेथड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है। अगर हमें बाय क्वाड्रेटिक यानी पावर फोर की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए फेरारी मेथड यूज किया जाता है। आज हम करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के लिए कार्डन मेथड। अब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके लिए हम श्री धनाचार्य फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती है। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल आसान सा मेथड है। लेकिन इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो कंडीशन है, कार्डन मेथड की जो कंडीशन है, उन कंडीशन को हम रीड कर लेते हैं। वो कंडीशन क्या है, यानी कब कार्डन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि जब हम कार्डन मेथड अप्लाई करेंगे तो उस क्यूबिक इक्वेशन में सेकंड टर्म नहीं होनी चाहिए, या ये कह सकते हो सेकंड टर्म एब्सेंट होनी चाहिए। द सेकेंड टर्म इज एबसेंट इन द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में सेकेंड टर्म एबसेंट होनी चाहिए जब हम कार्डन मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, सेकेंड कंडीशन है कि जो क्यूबिक इक्वेशन होगी उसमें जो फर्स्ट टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट यूनिट होना चाहिए। आई रिपीट, क्यूबिक इक्वेशन की फर्स्ट टर्म हमें पता है एक्स क्यूब होगी, तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो यूनिट यानी वन होना चाहिए। ओके, बाकी जितने भी नंबर है या बाकी जितने भी कोएफिशिएंट होंगे वो इंटीजर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है
अभी मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या बताई कि सेकंड टर्म एब्सेंट होनी चाहिए, लेकिन बाय चांस सेकंड टर्म एब्सेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को सबसे पहले रिमूव करेंगे उस इक्वेशन से, देन हम कैडर मेथड अप्लाई करेंगे। इफ द सेकंड टर्म इन द क्यूबिक इक्वेशन इज नॉट जीरो, अगर सेकंड टर्म क्यूबिक इक्वेशन में जीरो नहीं है देन इट कैन बी मेड जीरो, तो हमें सबसे पहले उसे जीरो बनाना है। अगर जीरो बना लेंगे सेकंड टर्म को, इट मींस सेकंड टर्म एब्सेंट हो जाएगी, देन कैडर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर ये तीन की तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, तब भी हम कार्डन मेथड अप्लाई करेंगे। कार्डन मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सब मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगी। तो देखो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले को समझने बैठ जाएं तो क्वेश्चन टफ लगेगा हमें, तो मेथड को हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही समझते हैं। सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इज इक्वल टू जीरो बाय कार्डर मेथड। आपको पेपर में एग्जाम में गिवन होगा ये वर्ड, बाय कार्डर मेथड या बाय फेरारी मेथड। ओके, तो कार्डर मेथड से इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। सेकेंड टर्म एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म हमेशा एक्स स्क्वायर होगी ना क्यूबिक इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, यानी सेकेंड टर्म इज एब्सेंट। द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज यूनिटी, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। एंड द अदर कोएफिशिएंट आर इंटीजर्स, बाकी के कोएफिशिएंट इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन अगर सेकेंड टर्म है, लेकिन हमें पता है इसमें सेकेंड टर्म ही नहीं है, तो हमें थर्ड कंडीशन अपने आप ही, तो थर्ड कंडीशन अपने आप ही कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना, किस तरह से इसे सॉल्व करें। कार्डनर मेथड के अकॉर्डिंग एक्स की तीन वैल्यू आएंगी, तो वो तीन वैल्यू होंगी क्या, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। कार्डनर मेथड में जो एक्स की तीन वैल्यू आती है, फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स इक्वल टू यू रेस्ट पावर 1/3 प्लस वी रेस्ट पावर 1/3। एक्स की जो सेकेंड वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा यू रेस्ट पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर वी रेस्ट पावर 1/3। इसी तरह से x की जो थर्ड वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर u रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस ओमेगा v रेस्ट टू पावर 1/3। x की ये तीनों वैल्यू होती है बाय कार्डनर मेथड, कार्डनर मेथड के अकॉर्डिंग। u और v क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा। ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस आइटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आइटा रूट 3/2। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा तो इसे याद रखो। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आइटा रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आइटा रूट 3/2। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना ओमेगा के लिए फॉर्मूला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो सबने पढ़ा होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों, इन तीनों का एडिशन 0 के इक्वल होता है। तो देखो 1 मैंने आपको क्या बताया, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस आइटा रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहते हैं -1 माइनस आइटा रूट 3/2, इन तीनों का एडिशन 0 होना चाहिए। तो देखो 1 -1/2 प्लस आइटा रूट 3/2 -1/2 माइनस आइटा रूट 3/2 -1/2 यानी -1 प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, प्लस आइटा रूट 3/2 माइनस आइटा रूट 3/2 इज इक्वल टू 0 आ रहा ना। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां पर फिक्स होती है। ओमेगा -1 प्लस आइटा रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आइटा रूट 3/2। ओके, कार्डनर मेथड के अकॉर्डिंग x की क्यूबिक इक्वेशन में x की तीन वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट वैल्यू u रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस v रेस्ट टू पावर 1/3, सेकंड वैल्यू ओमेगा u रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v रेस्ट टू पावर 1/3, एंड थर्ड वैल्यू ओमेगा स्क्वायर u रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस ओमेगा v रेस्ट टू पावर 1/3। ओके, अब देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू होती है। अब मैंने आपको बताया कार्डनर मेथड से सॉल्व करना है, कार्डनर मेथड के अकॉर्डिंग x की ये तीन वैल्यू फिक्स है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू या सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये लिखते हैं हम गिवन इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है x क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं, लेट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज
एक्स इजिकल टू यू रेस टू पावर 1/3 प्लस वी रेस टू पावर 1/3। यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, फर्स्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। अब अगर x ये है तो हम दोनों तरफ क्यूब कर दें, दोनों तरफ अगर हमने क्यूब किया तो x क्यूब u रेस टू पावर 1/3 प्लस v रेस टू पावर 1/3 हमने क्यूब कर दिया। x क्यूब में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर देखो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मा बन रहा है। a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया हुआ है ये भी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखो a क्यूब u रेस टू पावर 1/3 इसका अगर हम क्यूब करें तो u आ जाएगा, b क्यूब यानी v रेस टू पावर 1/3 क्यूब किया तो v आ जाएगा, प्लस 3ab a की जगह है u रेस टू पावर 1/3 v रेस टू पावर 1/3, a प्लस बी u रेस टू पावर 1/3 प्लस v रेस टू पावर 1/3। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगेन x क्यूब में कोई चेंज नहीं, u प्लस v में कोई चेंज नहीं, 3 u रेस टू पावर 1/3 v रेस टू पावर 1/3 में कोई चेंज नहीं। ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, u रेस टू पावर 1/3 प्लस v रेस टू पावर 1/3। सेकेंड इक्वेशन देखो यही है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल, इसकी जगह हम x लिख सकते हैं। कहाँ से लिखा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है, x क्यूब, ये देखो ये x की टर्म है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 3 u रेस टू पावर 1/3 v रेस टू पावर 1/3 x इज इक्वल टू u प्लस v यानी माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। जब भी हम कार्टर मेथड में यहाँ से ये स्टार्टिंग करेंगे, लेट x इज इक्वल टू u रेस टू पावर 1/3 प्लस v रेस टू पावर 1/3, सेम सॉल्यूशन होगा, ये सेम इक्वेशन आएगी कैलकुलेशन करने पर। जो थर्ड इक्वेशन है वो हमेशा ही ये बनेगी, थर्ड इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन भी क्यूबिक इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में भी सेकेंड टर्म नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकेंड टर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट और थर्ड का कंपेरिजन कर लेते हैं, कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देखो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126, एक्स क्यूब माइनस 15 की जगह हमारे पास क्या है, दिस माइनस 15x माइनस, माइनस को भी छोड़ दो क्योंकि माइनस भी सेम है हमारे पास, तो हमारे पास 3 u रेस टू पावर 1/3 v रेस टू पावर 1/3 इसके इक्वल आ जाएगा 15 के। इसी तरह से कांस्टेंट का कंपैरिजन करें, अगर हम कांस्टेंट क्या था 126, यहां पर कांस्टेंट क्या है u प्लस v, माइनस का 126 है यहां पर भी और माइनस का u प्लस v है, यानी u प्लस v की वैल्यू क्या आई हमारे पास 126, 3 रेस्ट पावर 3 u रेस्ट पावर 1/3 v रेस्ट पावर 3 से डिवाइड किया तो u v होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 5। uv पावर 1/3 है, क्यूब कर दे दोनों तरफ तो क्यूब किया तो यहां पर u भी रह जाएगा 5 क्यूब 125, u प्लस v 126। अब u प्लस v पता है, u भी पता है, तो हमारे पास u और v कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखो u v की जगह हमने क्या रख दिया 126 माइनस u, कहां से, यहां से इज इक्वल टू 125। अगेन सॉल्व किया तो 126u माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 125, ऐसे हम लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 126u प्लस 125 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, u स्क्वायर माइनस 125u माइनस u प्लस 125 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन लिया, या आप इसके डायरेक्ट फैक्टर भी बना सकते हो, हमें पता है 1 और 125 आएंगे तो u माइनस 125 u माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या कॉमन लेके आप कर सकते हो। तो u की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 1 और 125। अगर u की वैल्यू 1 है तो v क्या हो गया 125, क्योंकि दोनों का एडिशन 126 आना चाहिए। अगर u 125 है तो v क्या हुआ 1। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, या तो u की वैल्यू 1 v की वैल्यू 125 या u की वैल्यू 125 v की वैल्यू 1, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो देखो हमने सिलेक्ट क्या कर लिया, u इज इक्वल टू 1 v इज इक्वल टू 125।
यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, लगभग क्वेश्चन कंप्लीट है, तीनों वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ x इज इक्वल टू, x की फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, u रेस्ट टू पावर 1 बाय 3, v रेस्ट टू पावर 1 बाय 3। हम यहाँ से u रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 भी कैलकुलेट कर लें, u अगर 1 है तो u रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 भी 1 होगा, v अगर 125 है तो v रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 इसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल। तो x की फर्स्ट वैल्यू क्या हुई हमारे पास, u रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 प्लस v रेस्ट टू पावर 1 बाय 3, इट मींस x की एक वैल्यू 6 हो। ओके, x का एक रूट 6 होगा, लेकिन अभी हमें बाकी दो रूट्स भी फाइंड करने हैं बाय कार्डन मेथड। x की सेकंड वैल्यू क्या होगी, ओमेगा u रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v रेस्ट टू पावर 1 बाय 3। x इज इक्वल टू, ओमेगा हमें पता है माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री बाई टू, यू रेस्ट टू पावर वन बाई थ्री वन के इक्वल है, ओमेगा स्क्वेयर माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री बाई टू, वी रेस्ट टू पावर वन बाई थ्री हमारे पास फाइव के इक्वल है। ब्रैकेट ओपन किया, वन से मल्टीप्लाई करने पे कोई चीज नहीं होगा, माइनस हाफ प्लस आइटा रूट थ्री बाई टू, फाइव से मल्टीप्लाई किया तो माइनस फाइव बाई टू, माइनस फाइव रूट थ्री आइटा बाई टू, विदाउट आइटा हमारे पास क्या है, माइनस हाफ माइनस फाइव बाई टू यानी माइनस सिक्स बाई टू, थ्री आइटा रूट थ्री बाई टू माइनस फाइव आइटा रूट थ्री बाई टू, तो माइनस का फाइव प्लस का वन, माइनस का फोर अपॉन टू टू रूट थ्री आइटा, ये हमारे पास एक्स की सेकेंड वैल्यू हो गई। अब हमें एक्स की थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूं एक्स की थर्ड वैल्यू क्या होगी, अगर सेकेंड वैल्यू में माइनस थ्री माइनस टू रूट थ्री आइटा है तो नेक्स्ट वैल्यू में प्लस आएगा। इसका कारण थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जब हमने चैप्टर किया था उसमें क्या था कि अगर किसी इक्वेशन का एक रूट ए प्लस आइटा बी है तो उस इक्वेशन का दूसरा रूट ए माइनस आइटा बी होगा ही होगा, ये हमने किया था ना। तो अगर हमारे पास एक रूट माइनस थ्री माइनस टू रूट थ्री आइटा आया है तो इसका नेक्स्ट रूट माइनस थ्री प्लस टू रूट थ्री आइटा होगा ही होगा। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो एक्स की थर्ड वैल्यू किसके इक्वल थी, ओमेगा स्क्वायर यू रेस्ट टू पावर वन बाय थ्री प्लस ओमेगा वी रेस्ट टू पावर वन बाय थ्री। एक्स इज इक्वल टू ओमेगा की जगह माइनस वन ओमेगा स्क्वायर माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री बाय टू, यू की पावर वन बाय थ्री यानी वन, ओमेगा की जगह माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री बाय टू, वी रेस्ट टू पावर वन बाय थ्री की जगह फाइव। सॉल्व किया तो माइनस हाफ माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव आइटा रूट थ्री बाई टू। एक्स इजिकल टू माइनस हाफ माइनस फाइव बाई टू यानी माइनस सिक्स बाई टू माइनस थ्री माइनस आइटा रूट थ्री बाई टू प्लस फाइव आइटा रूट थ्री बाई टू प्लस फाइव माइनस वन यानी प्लस का फोर आ जाएगा अपॉन टू टू रह गया फोर अपॉन टू टू आइटा रूट थ्री यानी रूट थ्री आइटा। ये मैंने आपको बताया था ना एक्स की नेक्स्ट वैल्यू माइनस थ्री प्लस टू रूट थ्री आइटा। x की तीनों वैल्यू होगी, x की एक वैल्यू 6 आएगी और बाकी दोनों वैल्यू माइनस थ्री प्लस माइनस आइटा टू रूट थ्री। ओके, आगे समझ में, ये x की तीनों वैल्यू है बाय कार्डन मेथड। आसान सा है ना, आपको कार्डन मेथड में x की तीनों वैल्यू पता होनी चाहिए कि बाय कार्डन मेथड x की तीनों वैल्यू यानी x के तीनों रूट्स किसके इक्वल होते हैं। ये फिक्स है x की फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी फिक्स होती है माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री बाई टू माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री बाई टू। फर्स्ट रूट हम लेकर चलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यू और वी आ जाएगा, देन सेकेंड और थर्ड रूट भी फाइंड हो जाएंगे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, हमें तीनों कंडीशन चेक करनी है सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। फर्स्ट कंडीशन थी कि क्यूबिक इक्वेशन में सेकंड टर्म एब्सेंट होनी चाहिए यानी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है तो सबसे पहले हमें इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटाना है। किस तरह से हटाना?
आएंगे इसके दो स्टेप होंगे। अगर हमारे पास क्यूब, स्क्वायर और वन यानी एक्स नहीं है, रिपीट, अगर हमारे पास एक्स की टर्म नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो है या एक्स की टर्म, टर्म ऑफ एक्स एब्सेंट है, ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स को वन अपॉन वाई रख लेंगे। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर हमारे पास सेकेंड टर्म आ रही है तो उसमें भी दो कंडीशन होंगी, दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक तो उसमें थर्ड टर्म नहीं होगी, एक और जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करूंगी कि हमारे पास सेकेंड टर्म भी है थर्ड टर्म भी है। तो अगर हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है यानी एक्स की टर्म नहीं है तो हमें एक्स को वन अपॉन वाई रख लेना है, अपने आप सेकेंड टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी। देखो एक्स की जगह वन अपॉन वाई रखा तो नाइन अपॉन वाई क्यूब सिक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम लिया वाई क्यूब तो क्या आएगा हमारे पास, नाइन प्लस सिक्स वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो, या इसे हम लिख सकते हैं वाई क्यूब माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। देखो जो इक्वेशन आई उस इक्वेशन में सेकेंड टर्म नहीं है, नहीं है ना, वाई क्यूब उसके बाद दैट वाई है फिर कॉन्स्टेंट टर्म है। अब अगर सेकेंड टर्म नहीं है क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं अभी आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ पर एक्स इक्वल टू नहीं वाई की तीन वैल्यू होंगी तो जो सॉल्यूशन मानोगे वो y के लिए लोगे, y इज इक्वल टू यू रेस्ट पावर वी रेस्ट पावर वन बाई थ्री, वाई की सेकेंड वैल्यू ओमेगा है यू रेस्ट पावर वन बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर वी रेस्ट पावर वन बाई थ्री, इसी तरह से y की थर्ड वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, ये y की तीनों वैल्यू होंगी। जब कैलकुलेशन करोगी सेम कैलकुलेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग y के तीन सॉल्यूशन आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा y के लिए नहीं x के लिए है। तो अगर y आपको आपने फाइंड कर लिया तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वन अपॉन y के इक्वल। कर सकते हैं ना क्वेश्चन को कंप्लीट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन होगा, लेकिन वो सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट होगा, गिवन इक्वेशन में सेकंड टर्म है सेकंड टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन अगर सेकंड थर्ड टर्म नहीं है तो हम डायरेक्ट ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर थर्ड टर्म आ जाए तो मैं आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन करूँगा, ओके क्लियर। क्वेश्चन को कंप्लीट करना, आपका सॉल्यूशन क्या आया कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर बताना, ओके, और अगर आपको कोई डाउट भी हुआ तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब सेकंड टर्म भी है और थर्ड टर्म भी है। अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन इस तरह से है कि उस क्यूबिक इक्वेशन में सेकंड टर्म भी आ रही है हमारे पास और थर्ड टर्म भी आ रही है, तो देखो अगर हम यहाँ पर एक्स को वन अपॉन वाई रखें, मैं आपको करके बता रही हूँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ अगर हम एक्स को वन अपॉन वाई रखें तो वन अपॉन वाई क्यूब फिफ्टीन अपॉन वाई स्क्वेयर थर्टी थ्री अपॉन वाई प्लस एट फोर्टी सेवन इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम लिया वाई क्यूब तो वन फिफ्टीन वाई थर्टी थ्री ये वाई है वाई स्क्वेयर प्लस एट फोर्टी सेवन वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एट फोर्टी सेवन वाई क्यूब माइनस थर्टी थ्री वाई स्क्वेयर माइनस फिफ्टीन वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। जब हमने एक्स को वन अपॉन वाई रखा तो जो नई इक्वेशन आई उसमें भी सेकेंड टर्म आ रही है, थर्ड तो आ रही है साथ में सेकेंड भी आ रही है, तो हम अगर हमारे पास थर्ड टर्म भी है और सेकेंड भी है हमें सेकेंड टर्म को हटाना है यहाँ से, तो आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इस मेथड से आपकी सेकंड टर्म यहाँ से रिमूव नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ये मैं आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन के वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ। अगर हमारे पास थर्ड टर्म भी आ रही है और सेकंड टर्म भी आ रही है हमें सेकंड टर्म को हटाना है यहाँ से, किसी भी पावर की इक्वेशन है, यहाँ तो क्यूबिक है, किसी भी पावर की इक्वेशन है हमें सेकंड टर्म को हटाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है n a0 h plus a1 is equal to zero, किसके लिए सेकंड टर्म को एब्सेंट करने के लिए, फॉर रिमूव सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा n a0 h plus a1। एन क्या था, हाईएस्ट पावर, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, एन हाईएस्ट पावर,
A0 का मींस हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, H में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, A1 का मींस सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट, आई रिपीट N हाईएस्ट पावर होगी। ये सब मैंने पहले भी सारा करवा दिया था अच्छी तरह से। A0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट टर्म एंड हाईएस्ट पावर कह सकते हो, और H आपको कैलकुलेट करना है। A1 होगा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, ऑफ सेकंड टर्म से आप हाईएस्ट टर्म भी कह सकते हो, फर्स्ट टर्म भी कह सकते हो। ओके, तो देखो N क्या है हमारे पास, 3, हाईएस्ट पावर 3 है। A0 फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, A1 सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट जो कि -15 है। तो N A0 H प्लस A1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 3H इज इक्वल टू 15 यानी H इज इक्वल टू 5। तो नई इक्वेशन क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर H की वैल्यू 5 आ रही है, प्लस आ रही है, तो जो नई इक्वेशन होगी उसके रूट्स Y मान लोगे, उसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से 5 कम होंगे। हमें एक नई इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें सेकंड टर्म नहीं होनी चाहिए, तो नए इक्वेशन के रूट्स y मान लिए, क्योंकि नए इक्वेशन के रूट्स x के गिवन इक्वेशन के रूट्स के इक्वल तो होंगे नहीं ना, तो नए इक्वेशन के रूट्स y मान लिए। y की जो वैल्यू होगी वो गिवन इक्वेशन के रूट्स से, अगर ये पॉजिटिव है तो उतने कम होगी, अगर ये नेगेटिव है तो ज्यादा होगी, यानी y की वैल्यू x से 5 कम होगी। x की जितने भी वैल्यू आएंगे ना, 5 कम करते रहो, y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब y इज इक्वल टू x माइनस 5, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक? या इसका एक और मेथड है, या तो y की वैल्यू x माइनस 5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। या इसका एक और मेथड है सिंथेटिक मेथड, जो काफी आसान मेथड है। अब सिंथेटिक मेथड से हम किस तरह से करेंगे, देखो मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ, ये मैंने एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन के चैप्टर में करवा दिया था, सिंथेटिक मेथड में आपको यहां करवा रही हूं। दोनों में से जो भी मेथड आपको अप्लाई करना हो कर सकते हो, आंसर लास्ट में सेम होगा, यानी इक्वेशन सेम आएगी। देखो सिंथेटिक मेथड के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, गिवन इक्वेशन के क्वेश्चन लिख लेने हैं, एक्स क्यूब माइनस 15x2, एक्स क्यूब माइनस 15x2, माइनस 33x, माइनस 847। हमने सिर्फ क्वेश्चन लिख लिए, ओके, प्लस प्लस 847। H की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। क्लियर? शायद मैंने पहले भी आपको सिंथेटिक मैथ बताया था डिवाइड के लिए, यहाँ पर हमेशा आपको 0 लिखनी है। नेक्स्ट इस तरह से लाइन लगाओगे, इन दोनों को प्लस करना है, जो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पर हमने 5 लिखा ना, तो जो सॉल्यूशन आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, 1 तो हमने कर लिया, 1 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, माइनस 15, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो क्या है 5 को माइनस 15 के नीचे लिख दिया। सेम प्रोसेस इन दोनों को प्लस किया, माइनस 10, जो सॉल्यूशन आया 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा माइनस 50, कहां पर लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे यानी यहां पर। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 83। मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है, 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 415 आएगा। इन दोनों को फिर से प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 2, 3 एंड 4, 4, 32। आगे समझ में? अगेन लास्ट टर्म को छोड़ दो, फिर से सेम प्रोसेस, यहां पर हमें 5 लिखना है, फर्स्ट टर्म के नीचे हमेशा ही 0 लिखनी है, इन दोनों को ऐड करना है, जो सॉल्यूशन आया 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड किया, जो सॉल्यूशन आया 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, यहां पर आ रहा है 108। अगेन लास्ट टर्म को छोड़ दिया हमने, फिर से सेम प्रोसेस किया, यहां पर 5 लिखा, यहां पर 0 लिखा, ऐड किया 1, मल्टीप्लाई किया 5, ऐड किया 0, अगेन लास्ट टर्म को छोड़ दिया, फिर से 5 लिखा, यहां पर 0 और यहां पर 1, इन दोनों को ऐड किया तो 1, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये लास्ट टर्म थी हमारे पास, ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इससे हम ए लिखेंगे, ये बी होता है,
इंफॉर्मेशन आएगी वो हमने वाई में मान ली, देन वाई, अब देखो जो नई इक्वेशन होगी वो वाई में होगी, ये आपको पता है y क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन थी तो ये भी क्यूब से स्टार्ट होगी, ए वाई क्यूब बी वाई स्क्वायर सी वाई प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये नई इक्वेशन होगी। चाहे आप इस तरह से करो या y इक्वल टू x माइनस फाइव करके करो, आपके पास y में इक्वेशन आ जाएगी। देखो a की जगह 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू माइनस 108, b 0 हो गया ना, c की वैल्यू माइनस 108 एंड d की वैल्यू 432 प्लस 432 इज इक्वल टू 0। y क्यूब में इक्वेशन आ गई जहां पर सेकंड टर्म नहीं है, एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें सेकंड टर्म एब्सेंट है, और अगर सेकंड टर्म एब्सेंट हो तो क्वेश्चन को बाय कार्डर मेथड किस तरह से सॉल्व करना है आपको पता है, अगले साल में कर सकते हो ना आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। मैथ में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही होती है, फॉर्मूले याद करना समझना बाकी सब्जेक्ट में भी होता है, लेकिन मैथ में जितनी कैलकुलेशन आप खुद करोगे उतनी ही कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। मैं आपको क्वेश्चन कर दूंगी आप सिर्फ देखोगे तो आपको उतने अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, जितना अच्छी तरह से आप खुद करोगे तब आपको समझ आएगा। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रूट्स ऑफ क्यूबिक आर, अब यहां पर हमें रूट्स गिवन है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, उस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स आने क्या चाहिए हमारे पास, 2a cos a फर्स्ट रूट, सेकंड 2a cos 2π/3 प्लस a एंड थर्ड रूट 2a cos 2π/3 माइनस a, ये तीनों रूट्स हमें फाइंड करने हैं। ओके तो देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेम मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। शो दैट द रूट्स ऑफ क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर x माइनस 2a क्यूब cos 3a इज इक्वल टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास देखो सेकंड टर्म एब्सेंट है, अगर सेकंड टर्म एब्सेंट है तो हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, यानी x की एक वैल्यू हमने क्या मानी, u रेज टू पावर 1 बाय 3 v रेज टू पावर 1 बाय 3, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, मैं डायरेक्ट लिखी हूँ क्या आया था, x क्यूब माइनस 3 u रेज टू पावर 1 बाय 3 v रेज टू पावर 1 बाय 3 x और माइनस में u प्लस v, मैंने दोनों तरफ क्यूब करके इक्वेशन को डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर मैं कर चुकी थी ना फर्स्ट क्वेश्चन में, जब हमने x को u रेज टू पावर 1 बाय 3 प्लस v रेज टू पावर 1 बाय 3 माना था तो क्यूब करने पर हमारे पास इक्वेशन आ रही थी x क्यूब माइनस दिस, तो ये थर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दी। ओके हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का कंपेरिजन करना है, ये सेकेंड इसे हम थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं। ओके ये थर्ड इक्वेशन, कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब कंपेरिजन किस तरह से करेंगे, एक्स क्यूब सेम है ना, x के साथ क्या है माइनस थ्री ए स्क्वायर, x के साथ क्या है माइनस थ्री यू रेस टू पावर वन बाय थ्री वी रेस टू पावर वन बाय थ्री, तो x के कोफिशिएंट का कंपेरिजन किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू रेस टू पावर वन बाय थ्री वी रेस टू पावर, देखो कंपेरिजन में क्या होता है माइनस माइनस सेम है, x x सेम है, थ्री थ्री सेम है, तो जो सेम नहीं है वो इक्वल कर दिया। इसी तरह कॉन्स्टेंट का कंपेरिजन किया तो यू प्लस वी किसके इक्वल आ रहा है, यू प्लस वी इज इक्वल टू ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस नहीं लगाएंगे हम, 2a क्यूब cos 3a। अब u प्लस v हमें पता है uv किसके इक्वल आ जाएगा, uv 1 बाय 3 ये a स्क्वायर के इक्वल है तो uv किसके इक्वल होगा, क्यूब रूट कर दिया a की पावर 6, u प्लस v हमें पता है दिस, तो देखो u v की वैल्यू 2a क्यूब cos 3a माइनस v माइनस u सॉरी इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर 6, समझ में आया, यू वी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, ब्रैकेट ओपन किया तो यू स्क्वायर माइनस में प्लस में 2 यू ए क्यूब cos 3a और ए रेस्ट पावर 6, या इसी को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2 ए क्यूब cos 3a u और प्लस में ए रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से u की अगर वैल्यू फाइंड करें बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो देखो माइनस बी टू ए क्यूब, समझ में आ रहा है ना? कुछ स्टेप मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर u स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। टू ए स्क्वायर कॉस थ्री ए माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर किया तो फोर ए सिक्स कॉस स्क्वायर थ्री ए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किया तो हमारे पास ये ए कैपिटल है, माइनस फोर ए सी यानी फोर ए रेस्ट पावर सिक्स अपॉन में टू ए किया तो टू, यू इज इक्वल टू टू ए क्यूब कॉस थ्री ए, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास फोर ए रेस्ट पावर सिक्स यानी टू ए क्यूब कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थ्री ए माइनस वन। अब कॉस स्क्वायर माइनस वन किसके इक्वल होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो टू से टू कैंसिल, ए क्यूब कॉस थ्री ए प्लस माइनस ए क्यूब, वन माइनस कॉस स्क्वायर होता तो साइन स्क्वायर यानी माइनस कॉमन ले ले, माइनस रूट में कॉमन लेने का मीन्स क्या हुआ हमारे पास आयोटा आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर हो गया यानी साइन स्क्वायर, रूट कर दिया तो साइन थ्री ए, ए क्यूब कॉमन तो क्या आया हमारे पास कॉस थ्री ए प्लस माइनस आयोटा साइन थ्री ए, यू की वैल्यू आ गई। अब अगर यू इसके इक्वल है तो वी क्या होगा, यू प्लस वी ये इक्वल था टू ए क्यूब कॉस थ्री ए के इक्वल, तो v क्या होगा हमारे पास टू ए क्यूब कॉस थ्री ए माइनस यू, यू का मीन्स ब्रैकेट ओपन करके लिख रही हूँ ए क्यूब कॉस थ्री ए ये है माइनस ओके प्लस माइनस ए क्यूब आयोटा साइन थ्री ए, समझ में आया किस तरह से लिखा, v कैलकुलेट करना है तो टू ए क्यूब कॉस थ्री ए माइनस यू माइनस दिस टर्म, तो v इज इक्वल टू टू ए क्यूब कॉस थ्री ए, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस ए क्यूब कॉस थ्री ए माइनस, ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस ये प्लस ए क्यूब साइन थ्री ए विथ आयोटा, टू ए क्यूब माइनस ए क्यूब कॉस थ्री ए माइनस प्लस आयोटा ए क्यूब साइन थ्री ए, यानी एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव, ए क्यूब कॉमन लिया तो कॉस थ्री ए माइनस प्लस आयोटा साइन थ्री ए। अगर u की वैल्यू ये है तो v की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी अगर u क्यूब a क्यूब u की वैल्यू a क्यूब cos 3a प्लस माइनस आयोटा साइन 3 है तो v की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ओके u और v फाइंड हो गया। अगर u और v फाइंड हो गया, आई रिपीट u क्या था a क्यूब cos 3a हम प्लस ले रहे हैं प्लस आयोटा साइन 3a, तो u की पावर 1 बाय 3 क्या होगा बता सकते हो, a की पावर 3 है a क्यूब है 1 बाय 3 क्या तो a, हमें पावर क्या करनी है 1 बाय 3 करनी है तो प्लस आयटा साइन 3a, पावर क्या कर दी हमने 1 बाय 3, डी मॉर्गन लॉ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, अगर हमारे पास साइन और कोस में वैल्यू है यानी साइन थीटा प्लस आयटा कोस थीटा, सॉरी अगर हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है इसकी हमें पावर n करनी है तो बाय डी मॉर्गन फॉर्मूला cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है, यानी जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर पावर है 1 बाय 3, एंगल के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आएगी cos 3a अपॉन 3 यानी a प्लस आयोटा साइन a, इसी तरह से v की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम मेथड से cos a माइनस आयोटा साइन a, u और v फाइंड हो गए ना आपके पास, ये फोर्थ इक्वेशन। अगर u और v फाइंड हो गए तो हम x फाइंड कर सकते हैं, x क्या था u रेस्ट पावर 1 बाय 3 प्लस v रेस्ट पावर 1 बाय 3, x इज इक्वल टू u रेस्ट पावर 1 बाय 3 प्लस a कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों को ऐड करना है तो देखो आयोटा की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ऐड किया तो cos a प्लस cos a 2 cos a तो a स्मॉल a और 2 cos a, देखो x की एक वैल्यू हमें तीन वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर गिवन है x की एक वैल्यू 2a cos a 2a cos a फाइंड हो रही है ना, ये तो x की फर्स्ट वैल्यू थी, x की एक वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो नेक्स्ट देखो x की सेकंड वैल्यू, मैंने आपको कार्नी मेथड के लिए x की तीन वैल्यू बताई थी ना, तो उसमें सेकंड वैल्यू क्या थी ओमेगा u
रेस्ट पावर 1 बाय 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर वी रेस्ट पावर 1 बाय 3। ओमेगा किसके इक्वल होता है? माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। यू रेस्ट पावर 1 बाय 3 अभी हमने यू कैलकुलेट किया था, किसके इक्वल था? ए कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 v रेस्ट पावर 1 बाय 3। अगर u में पॉजिटिव साइन था तो v में क्या था हमारे पास? नेगेटिव साइन, cos a माइनस आइटा साइन a। ओके, इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू, देखो सॉल्यूशन, माइनस हाफ। अगर ब्रैकेट ओपन करें तो a तो सबसे पहले कंप्लीट में कॉमन आ रहा है, उसके बाद अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस हाफ के दो स्टेप आ रहे हैं, माइनस हाफ के साथ cos a प्लस आइटा साइन a, माइनस हाफ के साथ cos a माइनस आइटा साइन a, माइनस हाफ भी कॉमन ले लिया, क्या रहा है? cos a प्लस आइटा साइन a और प्लस में cos a माइनस आइटा साइन a। ओके, फिर इसी तरह से बाकी दो स्टेप जो है उसमें क्या रहा है हमारे पास? रूट थ्री अपॉन टू आइटा, रूट थ्री अपॉन टू आइटा के साथ cos a प्लस आइटा साइन a, cos a माइनस आइटा साइन a, तो हम प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू ये भी कॉमन ले लेते हैं। तो आइटा रूट थ्री अपॉन टू कॉमन लिया तो cos a प्लस आइटा साइन a, लेकिन सेकंड स्टेप में देखो यहाँ पर माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू है, हमने प्लस कॉमन लिया तो माइनस में cos a माइनस आइटा साइन a, cos a माइनस माइनस कॉमन लिया था तो प्लस आइटा साइन a। ओके, क्या बचा हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ cos a और cos a टू cos a, आयोटा साइन ए ये कैंसिल हो रहा है, प्लस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू, cos a से cos a कैंसिल, आयोटा साइन ए टू आयोटा साइन ए। ओके, अगेन x इज इक्वल टू a, टू से टू कैंसिल तो माइनस cos a, टू से टू कैंसिल तो हमारे पास रूट थ्री, टू से टू कैंसिल किया ये साइन a, टू आयोटा साइन ए, टू से टू कैंसिल कर दिया तो देखो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर से का मीन्स माइनस वन, रूट थ्री साइन ए। ये तो एक्स की वैल्यू आ गई, सॉल्यूशन यहीं पे खत्म, लेकिन हमें आंसर गिवन है, आंसर हमें गिवन है कि एक्स की जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो टू ए कोस टू पाई बाई थ्री प्लस और माइनस ए की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह से है कोस और साइन में, इससे हमें कोस में ही चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड, डिवाइड को हम अंदर ले जाते हैं तो माइनस ऑफ हाफ कोस ए, माइनस ऑफ रूट थ्री बाय टू साइन ए। अब आंसर के हिसाब से स्टेप को चलाएंगे, कोस टू पाई बाई थ्री प्लस या माइनस ए, यानी कोस ए प्लस या माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, किसके इक्वल होता है? cos a cos b, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, sin a sin b, यानी अगर हम स्टेप को इस तरह से बना दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, दोनों वैल्यू cos में दोनों वैल्यू sin में, तो हमें हाफ को किस में चेंज करना है? cos में, cos में हाफ वैल्यू किसके लिए होती है? cos पाई बाई थ्री हाफ होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस हाफ नहीं माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ किस में होता है? cos 2 पाई बाई थ्री में, cos 2 पाई बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये क्या देगा? cos 2 पाई बाई थ्री cos a, इसी तरह से रूट थ्री अपॉन टू पॉजिटिव sin 2 पाई बाई थ्री में होता है और sin a, बन गया ना फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b, a की जगह 2 पाई बाई थ्री, b की जगह a, तो cos 2 पाई बाई थ्री प्लस a। ओके, 2a cos 2 पाई बाई थ्री प्लस a, ये x की सेकंड वैल्यू। अब x की थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, x की थर्ड वैल्यू के लिए अगेन थर्ड वैल्यू क्या है? x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर u रेस्ट पावर प्लस ओमेगा v रेस्ट पावर 1 बाय 3। अगेन मैंने आपको क्या बताया था पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, अगर एक सॉल्यूशन इस टाइप से है प्लस में है तो उसे हम माइनस में कर सकते हैं ना, तो देखो सेम सॉल्यूशन आएगा, यानी cos 2 पाई बाय 3 माइनस a सॉल्यूशन आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2, u रेस्ट पावर 1 बाय 3 यानी a cos a प्लस आयोटा साइन a, इसी तरह से ओमेगा का मीन्स माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2,
बी रेस्ट पावर 1/3 का मीन्स ए कोस ए माइनस आयोटा साइन ए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए कंप्लीट में से कॉमन लिया, माइनस हाफ के दो स्टेप है, माइनस हाफ के साथ कोस ए प्लस आयोटा साइन ए और प्लस कोस ए माइनस आयोटा साइन ए, यानी माइनस हाफ कॉमन लेके जो भी बचा वो लिख लिया। इसी तरह से आयोटा रूट थ्री अपॉन टू कॉमन आ रहा है, आयोटा रूट थ्री अपॉन टू कॉमन, लेकिन माइनस में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर माइनस है पहला स्टेप, ये माइनस में कॉमन ले लिया, तो ये तो कोस ए प्लस आयोटा साइन ए। अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी कोस ए और ये प्लस हो गया आयोटा साइन ए, समझ में आया ना। यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो x इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ हाफ कोस ए कोस ए टू कोस ए। इसी तरह से माइनस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू आयोटा साइन ए आयोटा साइन ए टू आयोटा साइन ए। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू ए, टू से टू कैंसिल तो कोस ए विद नेगेटिव साइन, टू से टू कैंसिल आयोटा स्केयर का मीन्स माइनस, माइनस पहले से है तो प्लस रूट थ्री साइन ए। अगेन देखो आंसर को अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर लिया, हाफ ऑफ कोस ए प्लस रूट थ्री अपॉन टू साइन ए। माइनस हाफ को कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कोस टू पाई बाई थ्री, कोस ए में कोई चेंज नहीं किया, रूट थ्री बाई टू को साइन में चेंज किया तो साइन टू पाई बाई थ्री, साइन ए में कोई चेंज नहीं किया। फॉर्मूला किसका बन रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस बी के इक्वल, कोस ए माइनस बी। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, बी, बी की जगह यहाँ पर ए। तो एक्स की तीन वैल्यू हमें हमारे पास फाइंड हो गए ना, थर्ड वैल्यू टू ए कोस टू पाई बाई थ्री माइनस ए, सेकेंड वैल्यू टू ए कोस टू पाई बाई थ्री प्लस ए, एंड फर्स्ट वैल्यू टू ए कोस ए। तो हैंस सॉल्यूशन इज, हैंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन या सॉल्यूशन इज, जो भी आप लिखना चाहो, एक्स इजिकल टू टू ए कोस ए, एक्स इजिकल टू टू ए कोस टू पाई बाई थ्री प्लस ए एंड माइनस ए, ये सॉल्यूशन है जो कि हमें गिवन है। ओके, आगे समझ, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक्स की तीन वैल्यू फिक्स मानो आप, उन्हीं तीन वैल्यू से ही आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वैल्यू एक्स इजिकल टू यू रेस्ट पावर 1/3 प्लस वी रेस्ट पावर 1/3, सेकेंड वैल्यू ओमेगा यू रेस्ट पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर वी रेस्ट पावर 1/3, एंड थर्ड में ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा कर दो। ओके, इन्हें इसी सेम मेथड से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपके कार्डन मेथड से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नए टॉपिक यानी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ।